सोमवार देर रात हुए प्रदेश के प्रशासनिक फेरबदल में राजधानी शिमला के नए जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने आज अपना कार्यभार संभाला। नए जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने कहा कि शिमला में उपायुक्त के तौर पर सबसे पहली प्राथमिकता नागरिकों को कोरोना से बचाव रहेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान जो विकास की गति थम चुकी थी उसे बढ़ाया जाएगा, साथ ही जो सरकार की लाभकारी नीतियां हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाना और उन्हें जागरूक करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार ने मुझे दी है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इस जिम्मेदारी का जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से जो है इसका निर्वहन कर सकूं। देखिए, विकास जो है वो एक निरंतर प्रक्रिया है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। कुछ ये ज़रूर है कि कुछ थोड़ी गति कम हो रही है, पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो है इसको थोड़ी तेज़ी लाई जाए। इसमें अब जैसे कि काफ़ी रिलैक्सेशन हो गए हैं, तो उस और रिलैक्सेशन और गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जितनी भी तेजी हम दे सकते हैं इसमें, वो देने की पूरी कोशिश की जाएगी। उज्ज्वल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो रिपोर्ट।